शतक पूरा होते ही मैदान में घुसा फैन, विराट ने सुरक्षा कर्मियों को ऐसे किया आगाह। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मैच में जैसे ही विराट कोहली अपना 32वां शतक पूरा किया, मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल कोहली ने जैसे ही अपना शतक पूरा किया, मैच के बीच में उनका एक फैन मैदान के अंदर घुस गया। विराट कोहली ने इशारा किया, फिर सुरक्षा कर्मी मैदान की ओर भागे। हालांकि तुरंत ही उसे पकड़कर बाहर कर दिया गया। प्रशंसक के हाथ में एक तिरंगा भी था। जानकारी के मुताबिक शख्स का नाम राहुल है और वे कौशाम्बी का रहने वाला है। कौशाम्बी से कानपुर के मैच देखने के लिए 1300 रुपए का टिकट लिया था। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़कर कोतवाली में बिठा लिया है। वह विराट का शतक पुराने के बाद बधाई देने के लिए मैदान के अंदर आया था। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 310 से ज्यादा रन बना लिए हैं। टीम का 4था विकेट विराट कोहली के रूप में गिरा। कोहली 113 रन बनाकर आउट हुए। भारत का पहला और एकमात्र विकेट शिखर धवन के रूप में गिरा। धवन 20 गेंदों में 14 रन बनाकर टिम साउदी की गेंद पर आउट हुए। वहीं टीम का दूसरा विकेट रोहित के रूप में गिरा। रोहित ने वनडे करियर का 15वां शतक जड़ा। उन्होंने 138 गेंदों में 18 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 147 रन बनाए और इसके बाद सेंटेनर की गेंद पर आउट हो गए। टीम का तीसरा विकेट हार्दिक पांड्या के रूप में गिरा। पांड्या को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए लाया गया था, लेकिन वो बिना किसी विशेष योगदान के सेंटेनर की गेंद पर आउट हो गए। पहली पारी का कुछ ऐसा रहा हाल। टीम इंडिया के लिए रोहित और धवन ओपनिंग करने आए। इस दौरान भारत का पहला विकेट शिखर धवन के रूप में गिरा। धवन 20 गेंदों में 14 रन बनाकर टिम साउदी की गेंद पर आउट हुए। वहीं टीम का दूसरा विकेट रोहित के रूप में गिरा। रोहित ने वनडे करियर का 15वां शतक जड़ा। उन्होंने 138 गेंदों में 18 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 147 रन बनाए और इसके बाद सेंटेनर की गेंद पर आउट हो गए। टीम का तीसरा विकेट हार्दिक पांड्या के रूप में गिरा। पांड्या को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए लाया गया था, लेकिन वो बिना किसी विशेष योगदान के सेंटेनर की गेंद पर आउट हो गए। कप्तान कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 106 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 113 रन बनाए और फिर साउदी की गेंद पर आउट हो गए। टीम का 5वां विकेट महेंद्र सिंह धोनी के रूप में गिरा। धोनी 16 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 रन बनाए। इसके बाद एडम मिलने की गेंद पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी। न्यूजीलैंड के सेंटेनर ने 10 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट झटके। ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 81 रन दिए, जबकि एक भी विकेट नहीं लिया। टिम साउदी ने 10 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। एडम मिलने ने 10 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कोलिन डिग्राहोम ने 8 ओवर में 57 रन दिए। कोलिन मुनरो ने 2 ओवर में 10 रन दिए।